हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टक्स के बारे में बताएंगे। टक्स वो होता है जो कि आपने देखा होगा सूट में एकदम पतली पतली महीन महीन सिलाई होती हैं, ठीक है। सिलाई करके बहुत जरा से कपड़े को फोल्ड कर देते हैं। इस ये जो है पांच तरह की होती हैं। सबसे पहले हम आपको पिन टक्स के बारे में बताएंगे। इसमें देखिए, आपको फैब्रिक को इस तरह से लेना है और इसको जहाँ पर भी आपको ये डिज़ाइन डालनी है वहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, पिन टक्स यानी कि जो हमारी पिन की नोक होती है उसके बराबर एकदम स्टिच करेंगे। ये देखिए, इसमें हम आपको, वैसे तो इसमें जो है सेम धागा लगा के सिलाई होती है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा दिखाई दे इसलिए हम इसमें दूसरे कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं। एकदम कपड़े को सीधे फोल्ड करके और एकदम सीधी और महीन सिलाई जब लगाते हैं तो इसको बोलते हैं पिन टक्स। ये देखिए, आपको दिख रहा है एकदम, ये देखिए हमने कपड़ा एकदम जरा सा लिया है, ठीक है, पिन टक्स। जब इसको खोलेंगे तो ये हमारा कपड़ा इस तरह से आएगा। इसमें जो है हम इसके आधे इंच के गैप में, या आपको अगर ज़्यादा ज़्यादा रखना है उस हिसाब से हम पास पास सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई एकदम सीधी आए तो इसके लिए आप चाहे तो पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखना एकदम महीन, जितना कम से कम आप कपड़ा दबा सकते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन पूरे सूट में पड़ती जाती है। इसको बोलते हैं पिन टक्स। इसका आपको हम सैंपल दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये महीन महीन डिज़ाइन पड़ेगी तो ये आपका पिन टक्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम आपको सेकेंड दिखाते हैं, शोल्डर टक्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये डिज़ाइन ज़्यादातर शोल्डर वगैरह में पड़ती है। इसमें जो है शोल्डर की फिटिंग के लिए, इसमें हमने, जैसे आपने पिन टक्स में देखा आपने ऊपर से पूरी नीचे तक डिज़ाइन डाली है, इसमें हम क्या करते हैं, हम खाली कंधे पे ऊपर डालते हैं और नीचे छोड़ देते हैं, यानी कि हाफ पे डिज़ाइन पड़ेगी और हाफ हम ऐसी छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं शोल्डर टक्स। ये पड़ेगी एकदम पिन टक्स की तरह ही, लेकिन बस हम हाफ पे इसको ये देखिए हमने हाफ दूरी पर डाल के इसको बाकी कपड़ा छोड़ दिया है। ये बाकी रहेगा पिन टक्स की तरह ही। देखिए इतनी ही दूरी पर हमने, देखिए फिर से हम डाल रहे हैं। और जैसे हमने पिछली बार आधा सिलाई लेके छोड़ी थी उसी तरह से हम, ये देखिए हमने ये आधी आधी सिलाई ली, आधी हमने छोड़ दी है। इसको बोलते हैं शोल्डर टक्स। ये शोल्डर की फिटिंग के लिए डाला जाता है। इसमें जो है बस्ट का शेप वगैरह देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है शोल्डर टक्स। ये देखिए, इसमें आधे में सिलाई पड़ी है और आधा ऐसी छोड़ दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी हम पिन टक्स के लिए हमने सिलाई डाल रहे थे, वैसे ही हम पहले वर्टिकल डालेंगे, यानी कि सारी वर्टिकल लाइन पे। ये देखिए, जिस तरह से हमने पिन टक्स डाला था उसी तरह से ही पहले हमने वर्टिकल लाइन डाली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजेंटल लाइन भी डालेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए, वर्टिकल में आपको सारी लाइन दिख रही है, ये अभी हम इसके बराबर दूरी पे ही हम ऐसे हॉरिजेंटल लाइन डालेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस टक्स। ये हम आपको डाल के दिखाते हैं।
वर्टिकल लाइन डालने के बाद इसमें पिन टक्स की ही तरह ही उतनी ही पतला, जैसे आपने अभी तक वर्टिकल डाली थी उसी तरह से पतली पतली आपको हॉरिजेंटल लाइन डालनी है। देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। एक लाइन और डाल दे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से पूरे सैंपल में ये आपको इस तरह से ये क्रॉस टैक्स की तरह देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। ठीक है, इसका भी हम आपको सैंपल दिखा देते हैं। ये देखिए ये है क्रॉस टक्स, देख रहे हैं आपने, वर्टिकल लाइन भी पड़ी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी पड़ी है। ठीक, अब जो फोर्थ है वो है सियरल टक्स, ये भी आपका क्रॉस टक्स की ही तरह होता है, लेकिन जैसे हमने इसमें पहले तो आप वर्टिकल लाइन डालेंगे, फिर हमने जैसे इसमें फोल्ड करके डाला है, आपको फोल्ड करके नहीं डालना है, आपको सिंपल इस पे जो है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डालनी है, एकदम सीधी जैसे सीधी मशीन पे डालते हैं वैसे, इसमें आपको कपड़ा फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए बस पहले हम पिन टक्स डालेंगे वर्टिकल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें क्या करना है, बस एकदम सीधा कपड़ा रख के मशीन चला देना है। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, ये हमने कोई कपड़ा फोल्ड नहीं किया है, इसको बोलते हैं सियरल टक्स। एक लाइन हम आपको और बना के दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले हमने पिन टक्स की तरह ये पतली पतली लाइनें डाली हैं और उसके ऊपर सिंपल सीधी मशीन चला दी है, इसको बोलते हैं सियरल टक्स। ठीक है, इसकी पिक्चर आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए पहले तो इसमें हमने ये वर्टिकल लाइन में पिन टक्स डाली हैं और इसके बाद सिंपल हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी मशीन में चला दी है। क्रॉस टक्स में क्या होता था, क्रॉस टक्स में हम पिन टक्स की तरह ही कपड़ा फोल्ड करके हॉरिजॉन्टल लाइन में भी लगाते हैं, मगर इसमें हम कपड़ा फोल्ड नहीं करते हैं, बस सिंपल सीधे सीधी मशीन चला देते हैं। ठीक है, ये है हमारा सियरल टक्स। और अब हमारा लास्ट जो है वो है ग्रेजुएटेड टक्स, ये एकदम सिंपल है। इसमें हमें खाली जैसे अभी हमने पिन टक्स के लिए एकदम पतला कपड़ा फोल्ड किया था, इसमें हमें एक चाप की सिलाई लगानी है। एक चाप यानी जो प्रेशर फुट का आपका एक पैर होता है, यानी कि ये इसको बोलते हैं एक पैर की सिलाई। ये देखिए इसमें हमने कपड़ा कहाँ रखा है, एकदम एक ये देखिए एकदम ये किनारे पे ऐसे लगा दिया है। ठीक है, ये आपकी एक तरह से पतली पतली प्लीट्स पड़ जाती है। देखिए हमारा कपड़े का जो लाइन है वो एकदम इसके सीध में चल रहा है। ये होती देखिए, ये इस तरह से पड़ेगी थोड़ा चौड़ी। एक और हम डाल देते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें भी हम गैपिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, आप आधे इंच का रखना चाहें तो आधे इंच का रखें। ये देखिए हमने देखिए कपड़ा यहाँ एक लगाया एक पैर की दूरी पे। अगर आप एकदम बराबर इसके कपड़ा रखेंगे तो आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। ये देखिए ये इस तरह से ये ग्रेजुएटेड टक्स पड़ती है। क्लियर हो रहा है, इसकी भी हम आपको पिक दिखा देते हैं। ये देखिए ये आप देख रहे हैं इसमें ये एक पैर की सिलाई इसमें लगाई गई है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड टक्स। ठीक,
आई होप आपको टक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।